ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से परेशानी में हैं या तकलीफ़ में हैं, या कुछ समय से आपके घर में संकट आ चुका है, तो आप अपने संकट से कैसे बाहर आएं, ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से आप बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, जब भी संकट आता है उसमें दो ग्रह जो हैं मुख्यतः तकलीफ़ देते हैं, पहला है शनि और दूसरा है राहु। अगर आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है तो आप संकटों में घिरे रहेंगे। दूसरा है शनि, शनि की साढ़े साथी चल रही हो, ढैया चल रही हो, या शनि की महादशा चल रही हो, उसमें कई सारी पीड़ाएं, कई सारी तकलीफें व्यक्ति को झेलना पड़ता है। तीसरा और महत्वपूर्ण बात होता है कि इन सब चीज़ों में व्यक्ति का जो सोचने का तरीका है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, सब दूर से रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई भी मदद हमारी नहीं करना चाहता। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मदद है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी बातें नहीं बन पा रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है तो इससे बाहर भी आएंगे आप, और इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो बहुत हद तक आपको फ़ायदा भी मिलेगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस एक बार ज़रूर करवाएँ, ताकि ये जो समस्या है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पर्सनल कुंडली के माध्यम से देखी जाती हैं। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने जितना भी नेगेटिविटी है खुद को बहुत पॉजिटिव करें, पॉजिटिव ही सोचना है, अपनी आदत जो नेगेटिव हो चुकी है पॉजिटिव ही सोचना है। दूसरी बात है कि बजरंग बाण का सुबह और शाम दोनों टाइम जप करें, क्योंकि शनि जो है वो हनुमान जी की जो सेवा करते हैं या शिव जी की सेवा करते हैं, शनि उनका कभी भी कोई गलत प्रभाव नहीं करता है। तीसरा, हनुमान चालीसा की पाठ कर सकते हैं, गुरु मंत्र नहीं है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर सकते हैं। और चौथी बात जो शायद आपको जीवन में अपनानी चाहिए, कुछ भी हो जाए अपने इष्ट पर पूर्ण यकीन रखें। अपने इष्ट पर जितना यकीन आपका होगा उतनी जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय।